महाविद्यालयों में नव प्रवेश को लेकर इन दिनों प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। पीजी महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय में छात्र छात्राएं आवेदन जमा करवाने को लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने भी हेल्पलाइन स्टोर लगाकर फॉर्म भरने में सहायता की जा रही है। हेल्पलाइन डेस्क के माध्यम से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच के साथ फॉर्म भरने में सहायता की जा रही है। महाविद्यालयों में नव प्रवेश को लेकर इन दिनों प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। राजकीय पीजी महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय में छात्र छात्राएं आवेदन जमा करवाने को लेकर पहुंच रही हैं। वहीं अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा हेल्पलाइन स्टॉल लगाकर फॉर्म भरने में सहायता की जा रही है। हेल्पलाइन डेस्क के माध्यम से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच के साथ फॉर्म भरने की सहायता की जा रही है। दरअसल राजकीय पीजी कॉलेज में प्रवेश की प्रथम कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को कॉलेज संबंधी किसी भी समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हेल्प डेस्क लगाई है। प्रवेश की कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद छात्रों का कॉलेज में आना जाना लगा हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों को किसी भी तरह की समस्या आने पर उसके समाधान के हेतु हेल्प डेस्क के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों की मदद की जा रही है। सहायता केंद्र है, हर साल लगता है। जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं वो हमेशा लगाते हैं। मैं टीम धीराम चौधरी का सदस्य हूँ और हम सहायता कर रहे हैं लगातार सात आठ दिन हो गए हैं लगातार। हेल्प डेस्क से विद्यार्थी जो नए आ रहे हैं उनके हेल्प कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सिक्वेंस करके हर एक जो टीचर हैं उनके तक पहुँचाते हैं विद्यार्थी। दिक्कत होती है कि डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वही रखने पड़ते हैं, कैसे रखते हैं, मार्कशीट कहाँ रखनी है, फोटोकॉपी कहाँ रखनी है, कहाँ हमें जाना है कॉलेज कैंपस पूरा देखा हुआ नया विद्यार्थी के नहीं होता है तो वो यहाँ कॉलेज गेट पर आके खड़े हो जाते हैं कि हमारा कौन से सर के पास जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाना, वो कोई किसी को पता नहीं होता है। यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए हैं, जो न्यू छात्र यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो उनके फॉर्म वगैरह आज लास्ट डेट है और जब से स्टार्ट हुए तब से लेके हम हेल्प डेस्क लगा रहे हैं और जो भी फॉर्म जमा करवाने आ रहे हैं उनके हम फॉर्म सेट कर रहे हैं, फिर उनको जो भी उनकी कमी पेशी है वो यहीं पर सॉल्व हो जाती है और फिर उनको अंदर भेज देते हैं तो वो अंदर फॉर्म जमा करवा देते हैं तो उनके कम समय में ये चीजें हो जाती है। हमने लगभग 200 या समथिंग इसके समथिंग की है। महाविद्यालय में जो नए एडमिशन हो रहे हैं फर्स्ट ईयर में, इनको जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको पता नहीं होता है कि एडमिशन प्रक्रिया के बारे में, उनको लेकर विद्यार्थी सहायता केंद्र लगाया है। उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने तक स्टाफ को कौन सा स्टाफ कहाँ जमा कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं उनके लिए हेल्प डेस्क है। दरअसल कॉलेज में शिक्षा सत्र की शुरुआत में जुलाई माह में प्रवेश की प्रक्रिया चलती है। हर वर्ष प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संगठनों द्वारा हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्रों की मदद की जाती है। इस वर्ष भी EBVP NSUI समेत अन्य छात्र संगठनों द्वारा बाड़मेर शहर में स्थित राजकीय पीजी महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसके अलावा भी छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्तर पर हेल्प डेस्क लगाई जाती है, जहां नव प्रवेशी विद्यार्थियों की मदद की जा रही है। इन हेल्प डेस्क पर इन दिनों सुबह से शाम तक छात्रों की भारी भीड़ देखी जा सकती है।